धौलपुर के बसेड़ी से इस वक्त की खबर। विद्युत विभाग के खिलाफ फूटा लोगों का गुस्सा। विद्युत विभाग के खिलाफ जमकर लगे मुर्दाबाद के नारे। बिजली कटौती से परेशान युवाओं ने सौंपा SDM को ज्ञापन। नयावास पोखरा तिवारी थोक खिरपोठा इलाके में हो रही है लगातार बिजली कटौती। महज 8 से 10 घंटे की बिजली में पढ़ाई नहीं कर पा रहे छात्र। ज्ञापन सौंप शीघ्र समाधान की उठाई है मांग। तो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं धौलपुर के बसेड़ी में, जहां विद्युत विभाग के खिलाफ लोगों का आक्रोश दिखा है। बिजली कटौती से परेशान स्थानीय लोग और युवा SDM कार्यालय पहुंचे, जहां ज्ञापन सौंपा गया है। बताते हैं नयावास पोखरा तिवारी थोक खिरपोठे इलाके में बिजली कटौती के चलते स्थानीय लोग परेशान हैं, जिसके चलते ज्ञापन में शीघ्र समाधान की मांग उठाई गई है। बड़ी खबर धौलपुर के बसेड़ी से। क्या नाम है आपका? कमल किशोर। क्या समस्या है आपकी? सर लाइट नहीं आ रही है 3-4 दिन से, बिल्कुल भी। 24 घंटे में 3-4 घंटे लाइट देते हैं, बस लाइट की समस्या, पानी की समस्या है और पढ़ाई लिखाई नहीं हो पा रही है बिल्कुल भी। कौन सी कॉलोनी से है? मैं नयावास। अच्छा, नयावास मोहल्ला जी। कम से कम 8 दिन हो चुके हैं, जो कि बिजली की समस्या के कारण हमारे पूरे 8 मोहल्ले हैं, एक ही पूरी बछेड़ी है जो समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। क्या है कि कहीं हमारी जो तार फॉल्ट वगैरह है, ये इनकी समस्या हो चुकी है और तार टूटते जा रहे हैं, और ना ही कोई मेंटेनेंस है, ना ही कोई GN ना AN, कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है, जिससे कि हमारे बच्चों को भी समस्या हो रही है। तो इस प्रकार से हमें पानी की भी किल्लत हो रही है, पानी नहीं मिल पा रहा है और बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, और हमारी जो लाइटें हैं वो बिल्कुल ही ध्वस्त यानी खराब पड़ी हुई है, कोई जल्दी सुनवाई नहीं हुआ। बताएं, आज बसेड़ी कस्बे के लोगों ने बिजली की जो समस्या है उसको लेकर ज्ञापन दिया था। कई तरह की उनकी समस्याएं थी, बिजली दरों की समस्या भी थी, बिजली कटौती जो होती है उसकी समस्या भी थी, कुछ लोग जो फीडर चेंज करवाना चाहते हैं उनकी उनकी समस्या थी। मौके पर ही JN साहब ने विद्युत विभाग उनको बुलाया गया, और उनकी जो भी समस्याएं हैं केवल यहीं की बात नहीं है, विभाजन प्रदेश भी होते हैं कि डीले तार जहां भी हैं उनको खिंचवाया जाए। बारिश का मौसम है तो किसी भी प्रकार की हादसे या दुर्घटना की संभावना उसमें नहीं रहे। बिजली कटौती जो है उसके लिए भी निर्देशित किया है कि अघोषित जो बिजली कटौती है उस पर कंट्रोल किया जाए। JN साहब ने अपनी कुछ समस्याएं बताई हैं मैन पावर वगैरह की, तो उसके लिए भी निर्देशित किया है कि एक बार ऐसे हिसाब से बात करके जो मैन पावर की समस्या है वो एक कर्मचारी जो है वो प्राप्त वहाँ से करें, जिससे कि जो आमदनी की परिवेदना है विद्युत को लेकर विभिन्न तरह की उसका नियत समय में समाधान हो सके।